वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस पढ़ रहे थे, ठीक है, और मैंने बताया था कि न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण ही सन में एनर्जी होता है। सन में एनर्जी का मुख्य रीजन न्यूक्लियर रिएक्शन है, और उसमें भी न्यूक्लियर फ्यूजन FUSION न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस ही उसके लिए जिम्मेदार है। तो हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या होता है। तो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स हैं, ड्यूटेरियम है और ये ट्यूटोनियम है। ये दोनों मिला और मिलकर क्या बना, एक हीलियम एटम बना, सॉरी एक हीलियम का न्यूक्लियस बना। ये न्यूक्लियस का है, न्यूक्लियर रिएक्शन है तो सारे न्यूक्लियस मिल रहे हैं, ठीक है। एक हीलियम का न्यूक्लियस बनाया और न्यूट्रॉन भी रिलीज किया है, ठीक है, न्यूट्रॉन भी बनता है इसमें, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होता है जिसमें हाइड्रोजन के आइसोटोप्स मिलकर हीलियम का न्यूक्लियस बनाता है, ठीक है, उसका न्यूक्लियस बनाता है। और इसमें जो मास लॉस होता है, जो मास लॉस होता है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत ही अधिक मात्रा में हमें हीट मिलता है, ठीक है। रिएक्शन ऐसे तो आपको पढ़ना नहीं है बुक में, ठीक है भी तो आपको आएगा, ये बहुत ही कम चांस है, फिर भी देख लीजिए। ऐसे भी 12th के NCERT में दिया हुआ है तो आज ना कल देखना ही पड़ेगा। तो समझने के लिए मैंने आपके सामने दे दिया है, ठीक है। देखिए, एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस का को लिखा हुआ है इस प्रकार से। तो यहाँ पे हीलियम बना है, पर ये देखो हीलियम में ये 4 होना चाहिए था, न्यूक्लियर उसका मास कितना होता है, 4 होता है एटॉमिक मास, पर यहाँ पे 4 नहीं है, Hg3O2 है। तो एक न्यूट्रॉन यहाँ है, तो इसमें जो इस प्रोसेस में आपको इतना हीट मिलता है 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हीट मिलता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये दोनों मिलके आपको ये भी बना सकता है, ठीक है, ये और कुछ नहीं एक प्रोटॉन है, ठीक है, सॉरी ये एक न्यूट्रॉन है और ये क्या बन रहा है, एक प्रोटॉन बन रहा है। तो प्रोटॉन भी बन सकता है, न्यूट्रॉन भी बन सकता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस रिएक्शन है तो इलेक्ट्रॉन की तो बात ही नहीं आएगी, इसमें प्रोटॉन आएगा न्यूट्रॉन आएगा, तो प्रोटॉन भी बन सकता है। ये प्रोटॉन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन ही होता है, ठीक है, और इतना हीट जनरेट करेगा। फिर यहाँ पे देखिए, आपका हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपका ट्यूटोनियम है, ये मिलके आपका Hg का न्यूक्लियस बना लिया और इसमें एक न्यूट्रॉन मिलते हैं। ये सारे प्रोसेस वहाँ होते रहते हैं, चारों रिएक्शन वहाँ पे होते रहता है, तो इतना ज़्यादा हीट देता है। इसी प्रकार से ये रिएक्शन है और इस प्रकार से यहाँ पे हीट देता है, ठीक है। यहाँ पे आप इस रिएक्शन से भी समझ सकते हैं, प्रोटॉन चेन रिएक्शन, जो कि मैंने एक बार के बाद स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होते हैं, कोई भी रिएक्शन सिंपल फॉरवर्ड नहीं होता, जैसे आप केमिकल रिएक्शन आप लिख लेते हो, ठीक है, उस प्रकार का रिएक्शन नहीं होता है। देखिए, हाइड्रोजन अगर आपकी बात करें तो हाइड्रोजन इस प्रकार से रिएक्ट करता है, पहले ये वाला बना, फिर ये वाला गया, उसमें भी एक और हाइड्रोजन मिला तो ये वाला बना, ठीक है, ट्यूटोनियम बना हाइड्रोजन से, ठीक है। उसके बाद ट्यूटोनियम हाइड्रोजन की एक और लिया, तो फिर देखिए हीलियम बना लिया आपका, ठीक है, एनर्जी आपका रिलीज किया। तो फाइनल जो रिएक्शन है वो इस प्रकार से होता है। फाइनल रिएक्शन या तो कहो कि तुमको चार गो हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन न्यूक्लियस की बात करते हो तो चार हाइड्रोजन न्यूक्लियस का फ्यूजन प्रोसेस हो रहा है और फ्यूजन प्रोसेस में एक हीलियम का न्यूक्लियस बन रहा है, ठीक है, और इसमें ट्रेमेंडियस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो ध्यान रखिए, चार हाइड्रोजन न्यूक्लियस मिलता है तब जाके एक न्यूक्लियस बनता है हीलियम का, ठीक है। ये तो आसान चीज़ है ना, रिएक्शन याद रहे या ना रहे, कम से कम इतना तो याद रख ही सकते हो, ठीक है। और ये देखिए, दो गो आपका ये भी बन रहा है, ठीक है, तो दो गो आपका ये भी बन रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दीजिए। थोड़ा सा जो बच्चे अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं उसको चैलेंज की तरह लें और इस क्वेश्चन को करें, ठीक है। इक्वल टू MC² मैं इक्वेशन आपको बता ही चुका हूँ, उस पर आप ट्राई करें इसको, ठीक है, इसको ट्राई करें। द सन इज बिलीव्ड टू बी गेटिंग इट्स एनर्जी फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ 4 प्रोटॉन टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस एंड अ पेयर ऑफ पॉजिट्रॉन्स। कैलकुलेट द रिलीज ऑफ एनर्जी पर फ्यूजन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसने दे रखा है मास ऑफ प्रोटॉन, दे रखा है मास ऑफ पॉजिट्रॉन, दे रखा है, ठीक है, मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस दे रखा है। आपको AMU की जो होता है वो अगर मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी रिलीज करता है, ये उसने दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, मुश्किल क्वेश्चन है पर आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, बोर्ड में आएगा चांस बहुत कम है, पर चूंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं। बैठे बैठे क्या करोगे, कुछ करो, ठीक है। चेन रिएक्शन इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो ऐड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए, आपको मिस ना हो उस वीडियो।
ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को क्लिक करके रखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ही मेहनत से वीडियो बना है, ठीक है। आप लोग रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो बना दीजिए, ये बना दीजिए, वो बना दीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोग इसको सीरियसली बहुत सारे बच्चे देखते भी नहीं हैं, और देखते भी हैं तो ना लाइक करते हैं ना कोई कमेंट आता है, तो मुझे पता कैसे लगेगा कि कौन बच्चा देखा। जैसे कमेंट आ जाता तो पता लग जाता कि इस बच्चे ने इस वीडियो को देखा है, और तुम क्वेश्चन पूछते तो ऑब्वियसली बात है देखोगे तभी पूछोगे। तो वीडियो को अगर देखते हैं तो लाइक कीजिए और कमेंट में आप बताइए कि कहीं पर कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है या कैसा लगा, कम से कम फीडबैक दे दो। अगर आपको लगा बहुत अच्छा है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में गुड बैड जो भी है वो जिस प्रकार से लिख सकते हो, उससे पता लगता है कौन कौन बच्चा देख रहा है, ठीक है। उसके अनुसार भी बनाते हैं हम, क्योंकि अगर आप बच्चे देख रहे हैं हाईर लेवल के बच्चे देख रहे हैं तो उस लेवल पे वीडियो बनता है, अगर कमज़ोर बच्चे देख रहे हैं तो उस लेवल पर वीडियो बनता है, ठीक है। तो ये भी पता करना जरूरी होता है कि कौन बच्चा इसको देख रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग चेन रिएक्शन को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।